बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाई हूँ आपके साथ में। आपको एक एक काफ़ी अच्छा सवाल किया गया है जवाजात से इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुताबिक, उससे यानी कि आपको अपडेट कर देता हूँ मैं। जैसा कि आपको पता है, डायरेक्ट फ्लाइट अभी भी बंद जा रही हैं। जिन बंदों ने यहाँ से एक डोज लगवाई है, चाहे पाकिस्तान से लगवाई है, चाहे दोनों पाकिस्तान से लगवाई हैं, वही बंदे आ रहे हैं जिनके दोनों डोज यहाँ से कम्प्लीट थी। बाकी तमाम तरफ रात तो भाई वाई के थ्रू आ सकते हैं। 14 दिन से ज़्यादा स्टे आपको गुजारना होगा दुबई वगैरह या किसी भी और कंट्री के थ्रू। तो इनमें फैमिलीज भी आ सकती हैं, यानी कि न्यू वीज़ा वाले भी आ सकते हैं जी। आप वाई के थ्रू, आपका वीज़ा सऊदी अरबिया को तो लगा हुआ है, आपने वीज़ा लगवाना है दुबई का, वहाँ पर 14 दिन से ज़्यादा स्टे करना है, सऊदी भी आ जाना है। आप न्यू वीज़ा वाले भी आ सकते हैं, फैमिली भी आ सकती हैं, कोई भी वर्कर छुट्टी के ऊपर गया हुआ वो भी वाई के थ्रू आ सकता है। डायरेक्ट तो आपको पता ही, दोनों वैक्सीन वाले यहाँ से लगवा कर जा चुके हैं, वही आ रहे हैं। तो जवाजात से एक सवाल किया गया है। एक भाई खातून है, उनका खावंद छुट्टी के ऊपर गया हुआ है पाकिस्तान, तो वो तो यहाँ से दोनों डोज लगवा कर गया है जी पाकिस्तान में। तो उस खातून की तरफ से जवाजात को ये कमेंट किया गया था कि मेरा खावंद जो कि सऊदी अरब में दोनों डोज लेकर पाकिस्तान में छुट्टी के ऊपर आया हुआ है, तो वो अभी वापस जब जाएगा तो मैं उसके साथ वापस आ सकती हूँ डायरेक्ट, मैंने दोनों डोज पाकिस्तान में कंप्लीट की हुई है। तो उसके ऊपर जवाजात का ये कहना था कि आपके खावंद ने अगर दोनों डोज यहाँ से ली हैं तो वो तो डायरेक्ट सफ़र कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है उसे। लेकिन अगर आपने एक डोज चाहे यहाँ से, एक पाकिस्तान से, या पाकिस्तान से दोनों लगवाई हुई हैं और आपके पास उसका प्रूफ भी मौजूद है, तो फिर भी आप डायरेक्ट सफ़र अपने खावंद के साथ नहीं कर सकती हैं, आपको वाई के थ्रू ही आना पड़ेगा। और मैं खुद से जानता हूं एक अहबाब को जिनकी फैमिली वो अपनी मंगवा रहे थे, उन्होंने भाई दुबई भेजा, उनको दुबई में उनके कुछ जानने वाले थे, उनकी फैमिली दुबई में उनके पास रुकी है जी 14 दिन या 15 दिन बोल रहे हैं आप, उसके बाद वहां से टिकटें लेकर सीधा सऊदी अरब में पहुंचे हैं। यानी कि कोई आपकी फैमिली है, कोई न्यू वीज़ा है, कोई विजिट वीज़ा है, कोई भी है जी, उसको भाई वाई के थ्रू ही अभी आना पड़ेगा। डायरेक्ट वाला मामला सिर्फ उन बंदों के लिए ओपन है जो यहां से वैक्सीन लगवा कर जा चुके हैं। और अगर बात करें इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुतालिक, यानी कि किसी बहाली के मुतालिक मुकम्मल तौर पर, तो नवंबर में भाई इसके इशारे काफ़ी आ रखे हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही बाकी पता चलेगा।